आलमी खबरों में आपको बताएं कि जापान, चीन और भारत में बारिशों ने तबाही मचा दी है। लैंडस्लाइडिंग से मुतादद इमारतें तबाह हो गई हैं, सड़कें पानी में डूब गईं, पुल सैलाबी रैले में बह गए। जापान के जनूबी इलाकों में तूफानी बारिशों से बड़ी तबाही फैलने और मुतादद अफराद की हलाकतों का खदशा है। दरिया का बंद टूटने से पानी घरों में दाखिल हो गया, जबकि दरिया पर बना पुल सैलाबी रेले में बह गया। टोक्यो में 92,000 से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत कर दी गई है। तहम कोमा माटो के इलाकों में अब भी घरों की छतों पर मौजूद हजारों अफराद इमदाद के मुंतजर हैं, जबकि इंतजामिया के मुताबिक बारिश के बायस जमा होने वाले पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। उधर चीन के मशरकी और जनूब मगरबी इलाकों में कई रोज से जारी बारिशों और लैंडस्लाइडिंग से मुतादद इमारतें तबाह, सड़कें टूटने से रास्ते बंद और ट्रैफिक का निज़ाम रुक गया है। हजारों अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। भारतीय शहर मुंबई में भी मूसलाधार बारिशों से सड़कें ज़ेर-आब आ गईं। बारिशों का सिलसिला मज़ीद दो रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई की गई है।